केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई और जिसमें ये कहा गया कि आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन नहीं किए, वो हैदराबाद में मंत्रालय के काम से गए हुए थे और उसके बाद वो भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आरसीपी सिंह की एंट्री भाजपा में हुई और इधर उपेंद्र कुशवाहा जदयू से आउट हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर लिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर लिया है। भाजपा के एक प्रवक्ता ने आज से 2 महीने पहले कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा सुपारी लेकर आए हैं राजद से भाजपा और जदयू के गठबंधन को तोड़वाने के लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर भी भड़क चुके थे और कई बार पिछले अगर मामलों को देखें तो लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले हो चुके हैं जब उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से भाजपा के सांसद की एंट्री हुई है। ये वही सांसद है जो अक्सर किसी को गठबंधन से बाहर करना हो तो इनकी एंट्री हो जाती है। मुकेश सहनी को बाहर करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी और कहीं ना कहीं ये सफल हुए और सहनी को बाहर कर दिए। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद इनका नाम है और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से बड़ा बयान इन्होंने दिया है। स्पष्ट समझे तो मुकेश सहनी को लेकर जिस तरीके से इन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया था और इन्होंने जो जो बातें कही मुकेश सहनी के साथ वही हुआ, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये जो बात कह रहे हैं कहीं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ना हो जाए। इन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़वाने के लिए ही आए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को या तो जनता दल यूनाइटेड बाहर कर दे या ये गठबंधन तोड़वा देंगे। अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा फैसला ले लिया है और इन फैसलों के बाद स्पष्ट हो गया है कि कुशवाहा के बयानों को लेकर भाजपा अब संज्ञान ले रही है। भाजपा के बड़े नेता भी इस पर बोलने लगे हैं। तो स्पष्ट तौर पर समझे तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब भाजपा एक्शन मूड में है और नीतीश कुमार से कभी भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चिट्ठी लिखकर यह मांग कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को या तो चुप कराया जाए, नहीं तो पार्टी से बाहर कर दिया जाए या गठबंधन टूट जाएगा। ये वही संभावनाएं जताई जा रही हैं। जब से उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए हैं तब से भाजपा के साथ रिश्तों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी तल्ख रहते हैं और बिना मौका बिना कोई वजह लगातार बयान देते हैं। भाजपा नेता इस बात पर काफ़ी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पूछकर बयान देना चाहिए, इसलिए कि नीतीश कुमार के रहमो करम पर वो बिहार में MLC भी हैं और जनता दल यूनाइटेड में बैठे हुए भी हैं। अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है और उपेंद्र कुशवाहा को चुप रहने की नसीहत दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।